हेलो दोस्तों, एक बार फिर से एक नई वीडियो के साथ में आपका स्वागत है। जो व्यूवर्स हमारे सुबह के लिए वीडियो के लिए देख रहे हैं उनके लिए गुड मॉर्निंग, जो दोपहर में देख रहे हैं उनके लिए गुड आफ्टरनून, और जो व्यूवर्स हमारे शाम में देख रहे हैं इस वीडियो के लिए उनके लिए गुड इवनिंग। तो मैं आपके लिए बता दूं, मैंने पिछली वीडियो में आपके लिए बताया था कि हमारी जो त्वचा होती है, जो हमारी स्किन होती है, वो कितने प्रकार की होती है और कैसी कैसी होती है। तो उस पार्ट में मैंने आपके लिए उसके प्रकार बताए थे। इसमें मैं बताऊँगा हाउ टू सॉल्व स्किन प्रॉब्लम, हम कैसे अपनी इस त्वचा की प्रॉब्लम के लिए ठीक करें, जैसी स्किन वैसा समाधान, प्राकृतिक रूप से, नेचुरली बेस पे, ना कि केमिकलाइज बेस पे। एक चीज़ और मैं आपके लिए बता दूं, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल के लिए सब्सक्राइब जरूर करें और उस साइड में दी हुई बेल आइकन के लिए घंटी वाला जो बटन है उसके लिए भी दबाएं, जिससे कि हमारे द्वारा दी गई हर वीडियो, हर इन्फॉर्मेशन आपके लिए मिलती रहे। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो नाउ। की बात मैं कोशिश करूंगा कि बहुत ही कम समय में आपके लिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देने की कोशिश करूं। हम मार्केट से जिन प्रोडक्ट्स, जिन उत्पादों के लिए यूज़ कर रहे हैं, वो मार्केट में हमारी क्या बॉडी या क्या हमारी स्किन के लायक हैं, हमारी स्किन किस बेस पे बनी हुई है, ये चीज़ हम खुद इस चीज़ को महसूस कर सकते हैं। ये हमारी जो स्किन है वो प्राकृतिक रूप से बनी हुई है, लेकिन हम जो मार्केट से प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं वो क्या प्राकृतिक रूप से बने हुए हैं या फिर रासायनिक बेस पर बने हुए हैं। ज़्यादातर लोग रासायनिक बेस के प्रोडक्ट्स को यूज़ कर रहे हैं और उन रासायनिक बेस के बने हुए प्रोडक्ट को यूज़ करने के बाद, एक लंबे लॉन्ग टर्म के बाद पता पड़ता है कि उस प्रोडक्ट का एक ऐसा साइड इफ़ेक्ट आया जिसकी वजह से हमारी जो स्किन थी, जो नेचुरल स्किन थी, वो एक ऐसी स्किन हो गई है जिसके अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई। पिंपल की प्रॉब्लम हो गई है, कील, मुहासे, दाग धब्बे, खाज, खुजली, बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। तो अगर हमारे लिए रियल में ही इन सब से बचना है और हमारे लिए एक नेचुरल ग्लो पानी ही अपने चेहरे को एकदम से एक प्राकृतिक यानी प्रकृति से अपना संबंध स्थगित करना है, तो हमारे लिए नेचुरल और प्राकृतिक ही चीज़ों के ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा, तभी हमारे चेहरे पर वो स्माइल, नेचुरल स्माइल, नेचुरली ही ग्लो स्किन पर आएगी, वरना उससे पहले हमारे लिए असंभव है। चलिए वीडियो के लिए मैं बता दूं आपके लिए कि पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि जो स्किन होती है वो दो प्रकार की होती है। पहली स्किन होती है ड्राई स्किन, सूखी हुई स्किन, रूखी स्किन भी हम जिसे बोल सकते हैं। अच्छा, इसके लिए हम कहते कैसे हैं, जैसे इसके अंदर नमी का अभाव, जिस स्किन के अंदर नमी का अभाव हो, जिस स्किन के अंदर मॉइस्चरिंग का अभाव हो, वही स्किन ड्राई स्किन कहलाती है। ये स्किन कभी कभी इतनी ज़्यादा टाइट हो जाती है तो इसके अंदर हमने कभी कभी देखा जाता है कि इसके अंदर दरारें सी पड़ जाती हैं, और ये स्किन जब हम इसके लिए छूते हैं, टच करते हैं, तो इसके अंदर बहुत काफ़ी हद तक पेन होता है, दर्द। तो अगर हमारे लिए रियल में, अब ये क्या है, ये हमारे लिए जानकारी ना हो पाने की वजह से जो हम उत्पाद यूज़ कर रहे हैं उन्हीं का एक साइड इफ़ेक्ट है, और अगर हमें इन प्रॉब्लम से सॉल्यूशन पाना है, ड्राई स्किन से हमें छुटकारा पाना है, तो इसके लिए सबसे बेहतरीन जो सॉल्यूशन है जो प्रकृति की गोद में है वो है एलोवेरा। अगर हम एलोवेरा को मार्केट से लेके यूज़ करते हैं, मार्केट से दो प्रकार, कई प्रकार के एलोवेरा होते हैं, कुछ खाने के, कुछ लगाने के। अगर हम मार्केट से लगाने वाला एलोवेरा यूज़ करते हैं और अपनी स्किन पर परमानेंट कंटिन्यू यूज़ करते हैं, तो हमारे स्किन के अंदर जो नमी गायब थी ड्राई स्किन के अंदर, वो नमी वापस लौट आती है और हमारे चेहरे पर जो ग्लो होनी चाहिए वो चमक फिर दोबारा से शुरू हो जाती है। दूसरा ऑप्शन है बादाम का तेल। अगर हमारे घर पर बादाम है तो उन बादामों का तेल निकलवाने के बाद हम उस तेल का अपने चेहरे पर मालिश कर माध्यम से हम सेवन कर सकते हैं, जिससे कि हमारे चेहरे पर दोबारा से जो ग्लो होती है, जो नमी होती है, वो वापस आ जाती है और चेहरा एकदम से अनहेल्दी से हेल्दी होने लगता है। दूसरी जो स्किन के बारे में मैंने बताया था वो बताया था ऑयली स्किन, अक्सर इसे हिंदी में तेली स्किन बोला जाता है। इसकी वजह से हमारी जो स्किन होती है ये बहुत ज़्यादा सांवली और बहुत ज़्यादा काली और बहुत ज़्यादा मतलब डार्क सर्कल वाली हो जाती है। अगर हमारे लिए इससे छुटकारा पाना है तो प्रकृति की ही गोद में इसका भी एक बहुत ही बेहतरीन सॉल्यूशन है, वो है विटामिन सी से भरपूर, जिसे हम नींबू, जिसे हम लेमन बोलते हैं। अगर हम इसकी कुछ बूंदें सुबह शाम अगर अपने चेहरे पर मालिश के माध्यम से यूज़ करते रहें तो हमारी स्किन, हमारी जो त्वचा तेली है, जो ऑयली है, उससे वो प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। और इसका हम एक तरीका से और सेवन कर सकते हैं, जैसे अगर हमारी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है तो हम एक गिलास पानी में आधा नींबू निचोड़ कर हम पी सकते हैं, जिससे हमारी विटामिन सी पूरी होने की वजह से चेहरे पर चमक आएगी। दूसरा ऑप्शन है रोज़ वाटर। मार्केट में बहुत ज़्यादा कई ऐसी कंपनियां, ब्रांडेड कंपनियां हैं जो रोज़ वाटर के लिए अवेलेबल करा रही हैं। कोई भी अच्छा सा रोज़ वाटर लेके हम अपनी स्किन पर सेवन कर सकते हैं और अपनी स्किन के अंदर जो ऑयली स्किन है उसके लिए हम बहुत ही हेल्दी बना सकते हैं और एक अच्छी नमी
मतलब उसके अंदर की जो ऑयली प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर सकते हैं। तो ये तो बात हुई आज स्किन की। चलिए मैं आपके लिए स्किन से रिलेटेड और भी थोड़ी जानकारी दूंगा। हम मार्केट से लेके कोई भी प्रोडक्ट चाहे वो हेल्दी है या अनहेल्दी हम यूज़ करते हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है हमारी सुबह की दिनचर्या, सुबह का हमारा खान पान, हम कैसे क्या इस्तेमाल करते हैं, ये सब हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जितना पोषण हमारी बॉडी के लिए चाहिए, अगर हम उतना पोषण बॉडी के लिए देते हैं, प्रोवाइड कराते हैं, तो हमारे लिए स्किन में जो भी प्रॉब्लम छोटी मोटी आ रही हैं वो 60 से 70% दूर हो जाएंगी। हमारे पानी का जो वाटर लेवल है वो हमेशा डाउन रहता है, तो हमारे लिए ये होना चाहिए कि समय से जितना पानी हमारी बॉडी की नीड है उतनी हमारे लिए पानी लेना चाहिए। तो ये वीडियो कैसी लगी आपके लिए, लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब इस चैनल के लिए ज़रूर करें। हमसे कोई त्रुटि हुई हो तो उसके लिए कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।